हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी ट्रेनर आसिफ सैयद। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अक्सर KOC यानी कि कुवैत ऑयल कंपनी में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EWP भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट होता क्या है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट एस पर KOC क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट जो है ना, ये एक वेब बेस्ड सॉल्यूशन एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम एक्सेस करते हैं इंटरनेट से, वेब ब्राउजर की मदद से, उसे हम वेब बेस्ड सॉल्यूशन कहते हैं। और ये जो वेब बेस्ड सॉल्यूशन है ना, ये KOC इंटरनेट से चलता है। अब इंटरनेट तो हमें पता है, अब ये इंट्रानेट क्या होता है? तो देखिए, इंटरनेट क्या है, ये एक कंप्यूटर का प्राइवेट नेटवर्क है जिसे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है और ताकि वो अपना इंफॉर्मेशन उसमें शेयर करती है एम्प्लॉयज़ के साथ सिक्योरली। और ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है, ये बहुत ही ईजियर कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, कोलेब्रेशन टूल्स होता है, ऑपरेशनल सिस्टम होता है और अदर कंप्यूटिंग सर्विस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन रहता है ये। और इसे आराम से यूज़ कर किया जा सकता है कहीं पर भी बैठ के। और ये जो KOC इंटरनेट की मदद से यूज़ होता है ताकि हम मैनेज कर सके इलेक्ट्रॉनिकली हम इसे मैनेज करते हैं ताकि जो ऑथराइजेशन प्रोसेस है नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ का, जो कि कैरिट किया जाता है KOC बिजनेस में एस पर परमिट टू वर्क प्रोसीजर। और ये जो परमिट का जो प्रोसीजर नंबर है KOC.SA.004 है। कहना मतलब ये है कि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट जो होता है ना, ये ऑफलाइन भी होता है और ये ऑनलाइन भी होता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। KOC इंटरनेट की मदद से, जो वेब बेस्ड सॉल्यूशन मैंने बताया आपको, उसकी मदद से क्या होता है, कभी कभी हमें इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट भी लेना पड़ता है, तो वो बहुत ही ईजी होता है और डॉक्यूमेंटेड होता है और ये ट्रांसपेरेंट रहता है। कोई भी डिपार्टमेंट, यानी कि अगर सेफ्टी डिपार्टमेंट को चेक करना है कि आज कौन कौन सा परमिट है, इश्यू हुआ है, हॉट वर्क कितना है, कोल्ड कितना है और भी किस्म के परमिट कितने हैं, तो वहाँ से वो चेक कर सकता है कि कौन कौन सी परमिट है। तो ये एक बहुत ही ईजी मेथड है और ये KOC में अक्सर पूछता है। और ये परमिट का जो मकसद है, यानी पर्पस है इस डॉक्यूमेंट्स का, ताकि प्रोवाइड कर सके कोऑर्डिनेटेड, कम्युनिकेटेड और कंट्रोल सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ताकि जो काम हो रहा है हैजार्डस और नॉन हैजार्डस एरिया में KOC के ज्यूरिडिक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट का। ठीक है, समरिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये वीडियो देखा, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगता है और आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे कूल, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक के साथ। ओके।